दोस्तों, वैसे तो दुनिया में किसी इंसान के मरने के लिए एक छोटी सी वजह ही काफी होती है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे ढीठ इंसान पैदा होते हैं जिनके सामने मौत भी घुटने टेक देती है। और अमेरिका के रहने वाले माइक मिलॉय भी उन्हीं इंसानों में से एक थे, क्योंकि उनके 5 दोस्तों ने उन्हें एक बार नहीं बल्कि 9 बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार एक ऐसी चमत्कार होती कि माइक को मौत भी नहीं मार पाती। लेकिन दोस्तों, ऐसी क्या वजह है कि उनके दोस्त उनकी जान के दुश्मन बन गए थे, और क्या वो माइक को मारने में सफल हो पाए? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको माइक मिलॉय और उनके दोस्तों की सच्ची कहानी के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये बात साल 1933 की है। अमेरिका के अंदर बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर थी और पैसा कमाने के लिए लोगों ने उल्टे सीधे कामों को करना शुरू कर दिया था। एक शाम को न्यूयॉर्क शहर में मशहूर बार में बैठे 5 लोग, टोनी मरेनो, जोसेफ मर्फी, फ्रांसिस पास्कव, हर्सिस ग्रीन और डेनियल क्राइसबर्ग, तेजी से पैसा कमाने के बारे में बात कर रहे थे। वैसे शाम से पहले ये लोग कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, लेकिन ये चीज इन सभी में कॉमन थी, और वो थी पैसा कमाना। हालांकि इनमें से किसी को अपराध करने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग पैसा कमाने के लिए अपराध करने को भी तैयार थे। ये लोग कोई छोटी मोटी चोरी या डकैती नहीं करना चाहते थे। इनका मकसद कम समय में बड़ा हाथ मारने का था, और काफी देर सोच विचार करने के बाद आखिरकार इन्हें एक प्लान सूझा। इन लोगों ने प्लान बनाया कि ये जीवन बीमा करने वाली कंपनियों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा हड़पेंगे। असल में प्लान ये था कि ये लोग किसी एक व्यक्ति को ढूंढेंगे जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा हो, उस व्यक्ति की नकली आईडी बनवाकर उसका जीवन बीमा करवा देंगे, उसके बाद उस व्यक्ति का मर्डर करके बीमा से मिलने वाली राशि हड़प लेंगे। इन लोगों के हिसाब से ये एक परफेक्ट क्राइम था, और उनको यकीन था कि वे पकड़े नहीं जाएंगे। दोस्तों, अब इन लोगों को तलाश थी अपने पहले शिकार की, जो इन्हें पहली बार में ही मिल गया। माइक मिला एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी नौकरी खो दी थी, और अब वह सारा समय इसी बार में शराब पीते हुए बिताता था। इन लोगों के लिए माइक एक बेहद आसान और बढ़िया टारगेट था। हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति को उन लोगों ने चुना है उसको मारना उनके लिए नामुमकिन बन जाएगा। खैर, इस बात से अनजान इन लोगों ने अपने प्लान पर काम करना शुरू किया। इन लोगों ने निकोलस मेलोरी नाम की एक नकली आईडी बनाई, जिस पर उन्होंने माइक का फोटो लगा दिया। इस नकली आईडी से उन्होंने अलग अलग कंपनियां मेट्रोपॉलिटन लाइफ और प्रोडेंशियल से 2 जीवन बीमा पॉलिसी ले ली। दोस्तों, जोसेफ मर्फी तो आपको याद ही होगा, ये उन्हीं 5 क्रिमिनल में से एक था। इन्होंने जोसेफ मर्फी की आईडी पे उसका नाम बदलकर जोसेफ मेलोरी कर दिया, ताकि वो बीमा कंपनी से पैसा लेने के लिए यह क्लेम कर सके कि वह माइक मिलॉय यानी निकोलस मिलॉय का भाई है। चूँकि उस जमाने में कोई कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए इस तरह का फ्रॉड करना काफी आसान बन जाता था। इतना काम करने में ही इन लोगों का काफी पैसा खर्च हो गया था, लेकिन जो पैसा इन्हें बीमा कंपनी से मिलने वाला था वो उससे कहीं ज्यादा था। क्योंकि उन दिनों ज्यादा शराब पीने के कारण अक्सर लोग मौत का शिकार बन जाते थे, इसलिए माइक उनके लिए एक परफेक्ट टारगेट था। आखिरकार सारी प्लानिंग करने के बाद वो रात आई जब इन लोगों ने माइक को मारने का पहला प्रयास किया। हर रोज की तरह माइक शराब पीने के लिए बार में आया, और ये 5 लोग माइक से ऐसे मिले जैसे उसके बरसों के बिछड़े हुए दोस्त। और अपनी नई दोस्ती के नाम इन्होंने माइक को पूरी रात अपने पैसों से शराब पिलाने का ऑफर दिया। दोस्तों, माइक जैसे शराबी आदमी के लिए इससे अच्छा और भला क्या हो सकता था। इन लोगों का प्लान माइक को इतना शराब पिलाना था कि अत्यधिक शराब के कारण उसकी मौत हो जाए। इन लोगों ने माइक को शराब पिलाना शुरू किया, लेकिन माइक इनकी सोच से भी ज्यादा बड़ा शराबी निकला, और लगातार कई घंटे पीने के बाद भी उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा। अब इन लोगों को यह एहसास हो गया कि माइक को मारने के लिए सिर्फ शराब ही काफी नहीं था, और इसलिए उन्होंने माइक को जहर देने का प्लान बनाया। उन्हें जल्द ही किसी जहर का इंतजाम करना था, और सौभाग्य से बारटेंडर टोनी के पास एक मेथेनॉल की बोतल मिल गई। दोस्तों, मेथेनॉल एक जहरीला रंगहीन और ज्वलनशील अल्कोहल होता है, जो इंसानों के लिए खतरनाक जहर माना जाता है। लेकिन माइक आम इंसानों से बिल्कुल अलग था, और वो
इस जहर को ऐसे पी गया जैसे वो कोई शरबत हो। अब इन पांच लोगों की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। इन सभी लोगों ने तुरंत आपस में मिलकर तय किया कि इस बार वो माई को डीनेचर्ड अल्कोहल पिलाएंगे। डीनेचर्ड अल्कोहल एक ऐसी शराब होती है जिसमें विषैले पदार्थ मिलाकर उसको जहरीला बना दिया जाता है। इसको पीने के बाद किसी भी इंसान का जिंदा बच जाना लगभग नामुमकिन होता है। लेकिन माइक इस जहर को ऐसे घटक गया जैसे वो कोई विस्की हो। उस दिन बार बंद होने का समय हो गया और माइक अपने नए दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। अब इन पांच लोगों ने सोचा कि शायद घर जाने के बाद जहर अपना असर दिखाएगा। लेकिन अगले दिन माइक फिर से शराब पीने के लिए पहुँच गया। ये पांच लोग इस बात से बहुत परेशान थे कि अभी तक ये इंसान जिंदा कैसे बच गया। खैर, इन लोगों ने आगे की योजना पर काम करना शुरू किया। इस बार इन्होंने माइक को शराब की जगह खाने में जहर देने का प्लान बनाया और इन लोगों ने सड़ी हुई सार्डिन मछली से एक सैंडविच तैयार करके माइक को दे दिया। मछली इतनी बुरी तरह से सड़ चुकी थी कि इस सैंडविच से आने वाली बदबू को भी बर्दाश्त करना इन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। इन्हें उम्मीद थी कि ये सड़ी हुई मछली माइक पर जहर का काम करेगी, लेकिन वो इस सैंडविच का मजा लेते हुए बड़ी आसानी से खा गया और यहाँ तक कि उसने अपने दोस्तों से एक और सैंडविच की मांग रखी। अगली बार इन लोगों ने सैंडविच में वो सब कुछ डाला जो इनके हाथ लगा। इस सैंडविच में इन्होंने शीशे के टुकड़े, नुकीली कीले और डीनेचर्ड अल्कोहल में डूबे हुए आइस टर्ड डाले और माइक को दे दिया। लेकिन माइक इन सभी जहरीली पदार्थों को शराब के नशे में बड़ी आसानी से हजम कर गया। अब इन लोगों को ये बात समझ आ गई थी कि माइक को जहर देकर मारना इन लोगों के लिए नामुमकिन था, इसलिए इन्होंने माइक को खत्म करने के लिए कुछ अलग करने का सोचा। अगले दिन ये लोग माइक को हद से ज्यादा शराब पिलाकर उसको बाहर घुमाने के लिए ले गए। बाहर बर्फ गिर रही थी और मौसम बेहद ठंडा था। तभी इन लोगों ने माइक को नशे की हालत में एक पार्क के अंदर लेटा दिया और उसके शरीर से सभी कपड़े उतार दिए। इन्होंने सोचा कि ठंड के कारण माइक सुबह तक अपने आप मर जाएगा, लेकिन इन लोगों का ये प्लान भी पूरी तरह फेल हो गया और अगले दिन माइक बिल्कुल ठीक हालत में उस बार में पहुंचा और उसने अपने दोस्तों से बताया कि कैसे ठंड के कारण पिछली रात वह मरते मरते बचा था। अब तक माइक को एक प्राकृतिक मौत देने का हर प्लान पूरी तरह फेल हो चुका था, इसलिए इस बार उन्होंने एक कदम आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इन पांच लोगों में से हर्षी ग्रीन कैब ड्राइविंग का काम करता था और उसने माइक को अपनी कार से टक्कर मारने का प्लान बनाया। और दोस्तों, कुछ ही दिन बाद माइक का एक जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि सभी को लगा कि माइक अब नहीं बचेगा, लेकिन कुछ समय हॉस्पिटल में रहने के बाद माइक को होश आ गया और वो इस एक्सीडेंट से भी बच गया। और दो हफ्ते बाद जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर फिर से उसी बार में पहुंचा, तो इन लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये लोग सोचने लगे कि क्या इस आदमी का मरना असंभव है। अब ये लोग अपनी नाकामी से बेहद हताश हो गए और इस बार इन्होंने माइक को सीधा सीधा खत्म करने का प्लान बनाया। वह उसको शराब पिलाकर एक कमरे में ले गए जहां उन्होंने नशे में धुत माइक को मुक्के मार कर बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का एक पाइप उसके मुंह के अंदर डाल दिया। हालांकि माइक अन्य इंसानों से काफी ज्यादा मजबूत था, लेकिन था तो वो भी एक इंसान ही। ये लोग लगभग 20 मिनट तक इस गैस को उसके शरीर में डालते रहे और आखिरकार माइक की मृत्यु हो गई। इसके बाद इन लोगों ने डॉक्टर को रिश्वत देकर माइक का एक झूठा डेथ सर्टिफिकेट बनवाया जिसमें मौत की वजह निमोनिया लिखी गई। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इन लोगों का ये प्लान सफल हो गया और बीमा कंपनी से इन्हें $3,500 मिल गए, जो उस समय काफी बड़ी रकम हुआ करती थी। हालांकि इस प्लान को सफल बनाने में इनके अपने ही $2,000 खर्च हो गए थे, फिर भी इन लोगों को अपने प्लान के सफल होने की काफी खुशी थी। लेकिन इन लोगों की यह खुशी ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाई। दरअसल हुआ ये कि बीमा कंपनी का एजेंट निकोलस मैलोरी यानी माइक के बारे में पता करते हुए इस बार तक पहुंच गया और यहां आकर उसे पता चला कि निकोलस मैलोरी का असली नाम माइक मिलॉय था। उस एजेंट ने इस बात की खबर तुरंत पुलिस को दे दी, जिसके बाद पुलिस ने माइक की बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया और इस पोस्टमार्टम में बड़ी आसानी से पता चल गया कि माइक की मौत निमोनिया से नहीं हुई थी, बल्कि उसका कत्ल किया गया था। इस मामले की पुलिस जांच हुई और इन पांच लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इन लोगों ने बड़ी आसानी
आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद उस डॉक्टर और इन 5 लोगों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि $1500 के लिए किसी को मौत के घाट उतार देना, वो भी एक बार नहीं बल्कि 9 बार, ऐसे लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।